कोरोना पर नई रिपोर्ट। एम्स की रिपोर्ट में कई खुलासे। बच्चों पर बढ़ रहा कोरोना का खतरा। ब्रेन पर हो सकता है भारी नुकसान। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले दुनिया भर में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और अब तो कोरोना को दरकिनार कर देश भर में स्कूल भी खोले जा रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना हर उम्र के इंसान को टारगेट कर रहा है और आने वाले समय में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। और इसी बीच एम्स द्वारा एक ऐसी रिपोर्ट पेश की गई है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। एम्स की रिपोर्ट में दावा। देश भर में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप है और इसी बीच एम्स की रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उसने सबको हैरान कर दिया। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कोविड 19 मरीजों की मस्तिष्क तंत्रिका को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अस्पताल के मुताबिक उनके यहाँ भर्ती एक 11 वर्षीय कोरोना वायरस संक्रमित बच्ची का ब्रेन नर्व डैमेज हो गया, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बाल न्यूरोलॉजी डिवीजन के डॉक्टर बच्ची की स्वास्थ्य स्थिति की गहराई से जांच कर रहे हैं और उसकी एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है जिसे जल्द ही प्रकाशित करने की योजना है। रिपोर्ट के मसौदे में कहा गया है कि डॉक्टरों ने बच्ची में कोविड 19 संक्रमण की वजह से एक्यूट डेमिनलेटिंग सिंड्रोम जैसी समस्या का पहला मामला पाया है। क्या है एडीएस बीमारी? रिपोर्ट के मुताबिक तंत्रिकाएं एक सुरक्षात्मक परत के साथ कवर होती हैं जिसे माइलिन कहा जाता है, जो मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के माध्यम से जल्दी और आसानी से स्थानांतरित करने में मदद करता है। एडीएस बीमारी से मरीज में माइलिन और मस्तिष्क संकेतों को क्षति पहुंचती है। ये समस्या किसी भी उम्र में आ सकती है। इसके अलावा एडीएस की वजह से दृष्टि, मांसपेशियों की गति, इंद्रियों, मूत्राशय और आंतों की क्षमता भी प्रभावित होती है। इलाज के बाद बच्ची का 50% विजन लौटा। एम्स की चाइल्ड न्यूरोलॉजी प्रभाग बाल रोग विभाग की चीफ डॉक्टर शेफाली गुलाटी की देखरेख में ही 11 वर्षीय बच्ची का इलाज किया जा रहा था। इम्यूनोथेरेपी के साथ उसकी स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ है और लगभग 50% विजन आने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। एक और कोरोना पॉजिटिव टीनेजर का इलाज एम्स के डॉक्टर कर रहे हैं। इस मरीज को बुखार और इन्फेलोपैथी की शिकायत थी। फिलहाल इस केस में डॉक्टर द्वारा ये पता लगाया जा रहा है कि क्या उसकी हालत कोरोना की वजह से हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।